हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं राकेश कुमार यादव। कुछ मैथ के क्वेश्चन जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 7 + (4 + 3)² - (4 -) - (5 + 3) - (6/2)। तो ये हो जाएगा 7 + (4 + 3)² - (4 + 3)² का मतलब मल्टीप्लाई 4 - (5 + 3)। 5 + 3 हो जाएगा 5 + 3 = 8 - (6/2) तो हो जाएगा 3। कोष्टक बंद। ये हो जाएगा 7 + (4 + 4)² - (4 + 4)² - (8 में से 3 चला जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा 7 + (12 और 4) = 16। 16 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 और 7 = 18 इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कॉस्मिक उत्पाद पर 75% छूट उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए 1874 लेता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? छूट कितने की? 75 की। मतलब 4% की कोई सामान है, 75% की उस पर छूट है, तो कितने में बेचेगा? 25% में। मतलब 25 का भाग देंगे 4, 25 का भाग देंगे 1, मतलब 1 में बेचेगा। 1874 / 1 × 4। 4 × 16 = 6, हासिल की 1। 7 × 28 = 29, 9 हासिल की 1, हासिल की 2। 8 × 32 और 2 = 34, हासिल की 3। 4 × 4 = 3, 7। 7496। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 और 48 मिनट में भर सकते हैं। ए कितने मिनट में? 36। बी कितने मिनट में? 48। 36 और 48 दोनों का लघुतम 144। ये इससे चला जाएगा 4 बार, ये इससे 3 बार। दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, आधे घंटे तक ये तो लगातार काम करता रहेगा 30 × 4 की स्पीड से, मतलब 120 काम ए करेगा ओनली। 144 - 120 = 24 काम, तो इस काम कौन करेगा? बी। बी कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। 8, मतलब बी को कितने मिनट बाद? 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद बंद करना है बी को, 8 मिनट बाद। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, हरितेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर पर वापस लौट आया। दोनों तरफ आने और जाने में उसकी औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है 2xy / x + y। तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 20 / 24। 2 × 4 × 20 / 24 तो हो जाएगा ये 2080 / 24। 160 / 24 ये हो जाएगा 20/3 km/h। पांचवा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दो मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। 5:7 है, उनमें से प्रत्येक महीने के 10,000 की बचत करता है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। 5x / 7 कितने की बचत करता है वो अपन उसमें से घटा देंगे। दोनों में से 10,000 = 2/3, तो जाएगा 5×15 = 14x = 30,000 में से 20,000 चला जाएगा तो 10,000। ये हो जाएगा 10,000 अनुज की आय, अनुज की आय थी 5x, 5 × x =
पांच इंटू 10,000 बराबर 50,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या में 2 सेमी की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करने वृद्धि के पहले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4 ये हो जाएगा r, 4π, 4π कोष्टक r प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4πr², हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा कोष्टक r प्लस 2 का स्क्वायर माइनस r² बराबर 704। ये कॉमन आ गया 4π, ये आ जाएगा 4πr² प्लस 2 × 4r प्लस 4 माइनस r² बराबर 704। तो ये r² से r² चला जाएगा, ये हो जाएगा 4r प्लस 4 बराबर 704 इंटू 7/22/7 है, तो 7/22 और सामने वाला 4 भी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4r बराबर 56 माइनस 4 बराबर r बराबर 52/4 बराबर 13 सेंटीमीटर थी पहले। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यदि 3x² - 2+3x बराबर 7290, तो ये हो जाएगा 3x - 2 और ये हो जाएगा 1+3 का स्क्वायर बराबर 7290, तो ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर 7290/10, 3x - 2 बराबर 729, 3x - 2 बराबर 3/6, x माइनस दो बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 8। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, यदि 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 9, यदि संख्या का मान इकाई अंक के 5 × 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकीय संख्या हो जाएगी 10y + x, तो अंकों का योग x + y = 9, x + y = 9, तो ये हो जाएगा 10y + x = संख्या का इकाई का अंक के 5 × 6 अधिक है, 5x + 6 ये हो जाएगा, 5x + 6 ये हो जाएगा ऊपर वाला तो पहला समीकरण, ये नीचे हो जाएगा 10y - 4x = 6, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो समीकरण एक को चार से और 2 के अंदर जोड़ने पर, समीकरण एक को चार से तो ये हो जाएगा 4x + 4y = 9, 36, 10y ये हो जाएगा माइनस का 4x + 10y = 6, इसमें जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 14y = 42, y = 3, y का मान समीकरण एक में रखने पर x = 6 आएगा।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 × y, तो 30 + 6, संख्या हो जाएगी 36। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नवा क्वेश्चन, दी गई आकृति में एल एम के समांतर है, एल एल ये वाली इसके समांतर है और पी तिर्यक रेखा है, पी तिर्यक रेखा है, कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, कोण ए का मान, तो अक्ष प्लस 80 डिग्री बराबर 2 अक्ष प्लस 10, अक्ष बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, अक्ष बराबर 70 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा, अक्ष प्लस 80 डिग्री बराबर 70 प्लस 80 बराबर 150 डिग्री, एक इसका मान ए कोण, कोण एक का मान, कोण एक वाले का मान 150 डिग्री। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।